हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक और डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ और ये डिज़ाइन आप किसी पर भी डाल सकते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है और बहुत आसान भी है। जैसे जैसे मैं बताऊँगी, अगर आप वैसे ही बनाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत आसानी से बन जाएगा और आप इस डिज़ाइन को किसी पर भी डालिए, ये अच्छा लगता है जेंट्स, लेडीज़ या बच्चों पर। तो जब भी आप इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे डालेंगे, आपको 6-6 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे, मतलब 6-6 फंदों के आप जोड़े बना लेंगे और लास्ट में 2 फंदे आपको एक्स्ट्रा डालने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपका आसानी से बन जाएगा। 8 लाइंस का डिज़ाइन है, उसी को आपको 1 से 8 तक रिपीट करना है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन से बता रही हूँ मैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पहली लाइन से बता रही हूँ आपको कैसे बनाना है। तो सबसे पहली लाइन में आपको शुरू से 3 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए, 1, 2, 3। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है और आराम से बताऊंगी कैसे आपको करना है, वही आपको रिपीट करना है। आप 3 फंदे आपने सीधे बनाए, उसके बाद आपको 1 फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। तो सबसे पहले इस फंदे को बैक साइड से आप ऐसे बुनेंगे सीधा एक बार ऐसे, फिर फ्रंट साइड से एक बार बुना, फिर बैक साइड से। तो 1 फंदे के 3 फंदे बेसिकली हमें बनाने हैं और ये जो आप 1 से 3 बनाते हैं वो हल्के से आपको लूज़ रखने हैं, तो इससे आसानी होती है आगे बनाने में इस डिज़ाइन को। फिर नेक्स्ट जो फंदा है उसके भी हमें 1 के 3 बनाने हैं। तो सबसे पहले उसको बैक साइड से एक बार बनाएंगे ऐसे, फिर फ्रंट साइड से बनाएंगे एक बार ऐसे, फिर बैक साइड से बनाएंगे एक बार ये। अब बीच में 4 फंदे आपको सीधे बनाने हैं। अब जहाँ से मैंने आपको ये बताया है, जहाँ से आपने 1 के 3 बनाए हैं, वहीं से आपको इसको रिपीट करना है। देखिए, 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और 4। फिर से आपको 1-2 फंदों पे 1 के 3 बनाने हैं। तो ऐसे करके पहले आप ये देखिए, पहले इसको बैक साइड से बनाएंगे, फिर फ्रंट साइड से बनाएंगे, फिर से बैक साइड से बनाएंगे, फिर इसके जो नेक्स्ट फंदा है उसको भी पहले बैक साइड से बनाएंगे, फिर फ्रंट साइड से बनाएंगे, फिर बैक साइड से बनाएंगे, फिर 4 फंदे सीधे। एक, दो, तीन और 4। देखिए, वहीं से आपको इसको रिपीट करना है जैसे मैं बता रही हूँ। 4 फंदे सीधे, फिर से इस फंदे को पहले बैक साइड से बनाएंगे एक बार, फिर फ्रंट साइड से, फिर से बैक साइड से। 2 फंदों में आपको 1 के 3 बनाने हैं। फिर इसके भी पहले बैक साइड से, फिर फ्रंट साइड से और फिर बैक साइड से। थोड़ा सा इसको लूज़ रखना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। और बीच में 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और 4। पूरी लाइन में यही रिपीट करना है। 2 फंदों में ऐसे 1 के 3 बनाने हैं, फिर बैक साइड से 2-3 बार हम इसको बुन रहे हैं। सबसे पहले बैक साइड से ऐसे, फिर फ्रंट साइड से ऐसे और फिर बैक साइड से। छोड़ना नहीं है उसको, बाद में छोड़ना है ऐसे। फिर 1, 2, 3, 4 फंदे सीधे, फिर से इन 2 फंदों में वही करना है, पहले बैक साइड से बनाया, फिर फ्रंट साइड से बनाया, फिर बैक साइड से बनाया, फिर से इसको भी बैक साइड से, फिर फ्रंट साइड से, फिर बैक साइड से, और लास्ट में आपके पास 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। जैसे शुरू में आए थे वैसे ही लास्ट में भी 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। अब पलट लेंगे, दूसरी लाइन देखिए, जो 3 फंदे सीधे आए थे उनको सीधा बनाना है, उनको उल्टा बनाना है, सॉरी, 1, 2 और 3। 3 फंदों को उल्टा बनाया। अब जो आपने 1 से 3 बनाए हैं उन 6 फंदों को आपको ऐसे स्लिप करना है। देखिए, 1, 2, 3, 1 से 3 बनाए थे, फिर 1, 2, 3,
छह फंदों को स्लिप करना है आपको बीच में, फिर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और चार, फिर जो एक से तीन बनाए हैं दो बार उनको स्लिप करना है ऐसे, छह फंदों को मतलब आपको स्लिप करना है ऐसे, फिर चार फंदों को, इस धागे को बहुत ज़्यादा खींचेगा नहीं, थोड़ा सा ढीला रखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है उनको, चार फंदों को उल्टा बनाना है, फिर से इनको स्लिप करना है, पूरी लाइन को ऐसे रिपीट करेंगे, चार फंदे उल्टे, बीच में चार फंदे उल्टे आ रहे हैं और छह फंदों को स्लिप करना है, दो तीन चार, फिर ये छह फंदे, एक दो तीन, एक दो तीन, इनको स्लिप करना है चार फंदों को ऐसे उल्टा बनाना है, दो तीन चार, फिर ये स्लिप करेंगे तीन और ये तीन, लास्ट में आपके तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे यहाँ पे। आप तीसरी लाइन देखिए कैसे करेंगे, तीसरी लाइन में हमें इसमें केबल ट्विस्ट करनी है, उसी से ये ऐसा डिज़ाइन बनता है, देखिएगा एक फंदा आप शुरू में सीधा बुन लेंगे, ये फंदा सीधा बुना, अब देखिए ये जो दो फंदे आपके पास सीधे बचे हैं इनको इधर ले जाएंगे, तो कैसे करना है, जो आपने एक फंदे के तीन बनाए हैं उसको आप सिलाई पे इस तरीके से लीजिए और जो सीधे फंदे हैं दो उनको इस सिलाई पे ऐसे पकड़िए, पहले ऐसे किया, अब जो ये तीन फंदे हैं इनको तीन का एक बनाना है, तो इसमें सिलाई इस तरीके से डालिए, आगे से बैक साइड से बुनना है इसको, तो इस तरीके से इसको बुन के तीन का एक कर लेंगे और बाकी के जो दो फंदे आप इधर से उधर ले गए हैं उनको सीधा बना लेंगे ऐसे, एक बार किया, अब फिर से हमारे पास ये तीन फंदे हैं, बाद के जो दो फंदे हैं उनको आप बैक साइड से ऐसे लेंगे, जो बाद के दो फंदे सीधे हैं, और इन तीन फंदों को उतार के आप इस सिलाई पे ऐसे पकड़िए और पहले ये दो फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक और दो, अब इनको बैक साइड से तीन का एक करना है ऐसे, इसमें सिलाई डालिए, जस्ट इसमें ऐसे सिलाई डालनी है और इसको बुनना है, तो इसका बैक साइड से तीन का एक हो जाएगा ऐसे, बहुत ही इजी है, देखिए ऐसे केबल ट्विस्ट हो गई आपकी, ये जो डिज़ाइन है ये आपका बनना स्टार्ट हो गया। फिर से नेक्स्ट वही पूरा लाइन में आपको रिपीट करना है, एक बार फिर से बताती हूँ, ये जो बाद के तीन फंदे हैं इनको आप ऐसे पकड़िए, पहले के दो फंदे आप इस पे लेंगे ऐसे करके इस वाली सिलाई पे ऐसे ले लेंगे इनको, और इन फंदों में आप ऐसे तीनों में ऐसे सिलाई डालेंगे और इनका तीन का एक ही बना देंगे ऐसे बैक साइड से ऐसे, फिर इन दो को सीधा बनाइए, एक और दो, फिर इसको भी ट्विस्ट करना है, तो इसमें बैक साइड से दो फंदे बाद के लेंगे और ये पहले के तीनों को इस पे लेंगे, इन दो सीधे फंदों को पहले सीधा बना लेंगे, एक और दो, अब इन तीनों में बैक साइड से ऐसे में सिलाई डाली ऐसे करके और इसको एक बना दिया, पूरी लाइन को ऐसी रिपीट करना है, देखिए पहले बाद वालों को लिया आगे से, पहले वाले जो दो हैं सीधे उसको इस पे लिया, इन तीनों को ऐसे सिलाई डाल के तीन का एक बना दिया और ये दो फंदे सीधे, तो जो हमारे पास तीन फंदे हमने बढ़ाए थे वो भी कम हो रहे हैं और आपकी केबल भी ट्विस्ट हो रही है, ये डिज़ाइन आपका बन रहा है। अब यहाँ पे भी वही करना है, तो इसमें सीधे फंदे बैक साइड से बाद वाले लेंगे और इन तीनों को इस पे उतारेंगे, अब पहले यहाँ पे ये बाद के फंदे बनाएंगे सीधे, अब इन तीनों में ऐसे सिलाई डाल के बैक साइड से तीन का एक कर देंगे, फिर से वही आ रहा है, जहाँ पे भी आपका ऐसा आ रहा है देखिए, दो फंदे आपके दिख रहे होंगे उसके बाद ये तीन दिख रहे होंगे, इनको ऐसे पकड़िए, फिर इस पे लीजिए, इन तीनों को दो तीन का एक बनाइए ऐसे और इन दो को सीधा बनाइए, फिर यहाँ पे पहले तीन हैं फिर बाद में दो हैं, तो इनको
बैक साइड से लीजिए, इसको इस पे उतारिए, पहले इन दो को सीधा बनाइए ऐसे ऐसे, अब इन तीनों को तीन का एक कर दीजिए ऐसे, फिर से पूरी लाइन का आपको ऐसे ही रिपीट करना है जहाँ तक आपका ये डिज़ाइन बन रहा है। ये देखिए लास्ट केबल है मेरी, ये एक बार ऐसे बनाया, तीन का एक किया और ये दो फंदों को सीधा बनाया, फिर से बैक से दो फंदे लिए ऐसे, इन तीनों को इस पे उतारा, पहले इन दो को सीधा बनाया ऐसे, फिर इन तीनों को ऐसे तीन का एक किया। अब लास्ट में आपका एक फंदा सीधा बचेगा जैसे स्टार्टिंग में था। अब इसके बाद वाली जो लाइन है, चौथे नंबर की जो लाइन है, वो पूरी उल्टी बनेगी ऐसे। इस पूरी लाइन को आपको उल्टा बना के कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरी लाइन को उल्टा बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ पांचवी लाइन से आपको इस डिज़ाइन को कैसे कंटिन्यू करना है। तो ये लाइन पूरी उल्टी बनेगी ऐसे, एक एक फंदे को आपको उल्टा बनाना है। देखिए चार लाइन इसके कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ से बनाना मैंने शुरू किया था, ऐसे आपका डिज़ाइन दिख रहा होगा इधर से, जो इतना आपका बन गया होगा। अब देखिए आगे फिर से आपको फर्स्ट वाली लाइन को रिपीट करना है, लेकिन अब इसकी जगह चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला फंदा आप एक फंदा सीधा बनाएंगे और उसका नेक्स्ट जो फंदा आ रहा है उस पर आप एक के तीन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पांचवी लाइन है ये, ऐसे पहले बैक लूप से बुना, फिर फ्रंट साइड से बुना, फिर से बैक साइड से बुना, तो एक के तीन बन गए। पहले हमने तीन फंदे सीधे बनाए थे लेकिन यहाँ पे एक ही फंदा सीधा बना है, ये तीन बनाए। अब यहाँ पे चार फंदे सीधे आएंगे, एक दो तीन और चार। अब यहाँ से फिर से वही करना है आपको, जैसे मैंने पहली लाइन में बताया था, दो फंदों में आपको एक के तीन बनाने हैं। पहले इसको बैक साइड से बनाया, फिर इसको फ्रंट साइड से बनाया, फिर इसको बैक साइड से बनाया। इसके नेक्स्ट वाले फंदे में भी वही करना है ऐसे, फिर फ्रंट साइड से और फिर बैक साइड से। और अब चार फंदे सीधे पूरी लाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे लास्ट तक, आपका एक फंदा एंड में सीधा आना चाहिए, तीन और चार। फिर से इस इन दो फंदों में एक के तीन बनाएंगे एक बार ऐसे, फिर इस फंदे में भी एक के तीन बनाएंगे ऐसे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। फिर इसमें भी वही करेंगे, इन फंदों को थोड़ा सा लूज रखेंगे ऐसे, फिर इसमें भी तीन बार बनाया इसको और चार फंदों को सीधा बनाया, एक दो तीन चार। फिर से वही एक के तीन, एक बार दो बार और ये तीन बार। फिर इसके नेक्स्ट में भी एक का तीन, एक बार दो बार और ये तीन बार। फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर इस वाले फंदे पे भी वैसे ही बनाना है, एक बार दो बार। अब लास्ट में आपका एक फंदा सीधा आ जाएगा। अब उल्टी लाइन, छठवीं नंबर की उल्टी लाइन आपको वैसी बनानी है जैसे मैंने सेकंड वाली लाइन बताई थी। ये एक फंदा तो आपका उल्टा आ गया और इन तीन फंदों को आप स्लिप करेंगे, फिर चार फंदों को सीधा उल्टा बनाएंगे, सॉरी दो उल्टा बनाएंगे इन चार फंदों को, चार। फिर से छह फंदों को स्लिप करेंगे,
जो आपने 1 के 3 बनाए हैं उन फंदों को आप स्लिप कर रहे हैं। 2 बार बनाए थे तो 6 फंदे हैं ये बीच में, उनको आपको स्लिप करना है। 4 फंदों को उल्टा बनाना है, 1, 2, 3, 4। 6 को स्लिप करेंगे एक बार, फिर दूसरी बार, फिर 4 को उल्टा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। फिर 6 को स्लिप करेंगे ऐसे, फिर 4 को उल्टा बनाएंगे, छह को स्लिप करेंगे ऐसे करके, फिर दूसरी बार ऐसे, 4 को उल्टा बनाएंगे, फिर इनको स्लिप किया, फिर 1 लास्ट में उल्टा आ गया। तो जो भी आप 1 का 3 बना रहे हैं उनको आपको स्लिप करना है उल्टी लाइन में। आप 7वीं रो में देखिएगा, वही करना है जो आपने 3री नंबर की लाइन में किया था। लेकिन अभी देखिए कैसे करना है। ये जो आपका केबल है उसको हम क्लोज कर रहे हैं, तो सबसे पहला फंदा आप बुन लीजिए, 1 फंदा जो सीधा है उसको बुन लीजिए। अब पहले आपके पास ये 3 फंदे जो आपने निकाले हैं वो हैं, उसके बाद आपके पास 2 फंदे सीधे हैं, तो उसको इस पे लीजिए ऐसे करके, और इन 3ों को इस पे लीजिए। पूरी लाइन को रिपीट करना है, ध्यान से देखिएगा ऐसे। अब ये इन पहले इनको सीधा बनाएंगे, 1, 2। अब इन 3ों को बैक साइड से 3 का 1 करेंगे, ये हो गया। अब ये वाला भी क्लोज करना है, तो पहले बाद वाले इन 3ों को लेंगे ऐसे, और फिर इनको उतार के 2 को इस पे ले लेंगे, फिर इन 3ों को बैक साइड से 3 का 1 और इन 2 को सीधा। अब पूरी लाइन आपको रिपीट करनी है। ये देखिए ऐसा आपका क्लोज हो गया ये वाला। एक बार फिर से बताती हूँ, पहले आपको 2 फंदों को सिलाई पे ऐसे लेना है, इन 3 को उतार के इस पे लेना है। पहले 2 को आप सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर इन 3ों को बैक साइड से ऐसे करके 3 का 1 करेंगे, ये हुआ। अब इन 3ों को आप इस पे लीजिए ऐसे, इन 2 को इस पे लीजिए, 3ों को ऐसे 3 का 1 बनाइए और 2 को सीधा बनाइए। ये पूरी लाइन आपको रिपीट करनी है ऐसी। पहले बैक साइड से इन 2 को लीजिए, 3 को इस पे लीजिए, अब इन 2 को पहले सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर इन 3ों को बैक साइड से ऐसे करके 3 का 1 कर लीजिए, फिर इन 3ों को ऐसे लीजिए आगे से, 2 को पीछे से लीजिए और इन 3ों को 3 का 1 बना लीजिए, फिर इन 2 को सीधा बनाएंगे ऐसे। पूरी लाइन आपको रिपीट करते हुए ऐसे ही जाना है, ऐसे लीजिए इनको, इस पे लीजिए और ये 2 फंदे पहले सीधे बनाइए, इन 3ों को बैक से 3 का 1 कीजिए, फिर इन 3ों को इस पे लीजिए, फिर यहाँ पे पहले 3 का 1 बनाएंगे ऐसे, फिर 2 को सीधा बनाएंगे। तो देखिए पूरी लाइन आप ऐसे रिपीट कीजिए। फिर इनको पहले बनाएंगे और 2 को बाद में बनाएंगे, और लास्ट में आपके पास 1 फंदा सीधा आ जाएगा। और इसके बाद वाली लाइन पूरी उल्टी आएगी, फिर आपको 1 से 8 तक पूरी लाइंस को रिपीट करते हुए जाना है, और ये डिज़ाइन आपका ऐसा बनता हुआ जाएगा। देखिएगा
ऐसे। बहुत ही आसान है, जब आप एक का तीन कर रहे हैं वहां पे आपको फंदों को थोड़ा सा लूज रखना है, उसके बाद ही बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इस डिज़ाइन को बनाइए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।